नमस्ते दोस्तों, निशा किचन में आपका स्वागत है। ये 250 ग्राम पत्ता गोभी है, इसे हमने इसका ऊपर का पार्ट हटा दिया है। अब इसे धुल लेंगे, धुल के इसे काटेंगे छोटा छोटा। इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे, जो चाय के साथ खा सकते हैं नाश्ता। हम इसको काटेंगे छोटा छोटा, काटेंगे इसे इस तरह। हमने काट लिया है छोटा छोटा, बारीक बारीक इसे काट लेंगे और काट के इसे रोस्ट करेंगे। इसे हमने छोटा छोटा बिल्कुल काट लिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। इसे धुल लिया है हमने दो पानी से, इसका पानी हमने निचोड़ दिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें नमक डाल दिया है। अब इसका जो हम मसाले डालेंगे, नमक बाद में ध्यान से डालना होगा, जो हमने नमक पहले भी डाल दिया है। उधर अपनी पत्ता गोभी कुक हो रही है, इधर हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाएंगे, जार ले लिया है, जार ले लिया। इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 लहसुन की कलियां हैं इन्हें डालेंगे। ये तीखे वाले 3 मिर्च हैं, इसे डाल देंगे, ये कम तीखे हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, इसका ढक्कन बंद देंगे, इसका चटनी इसकी बनाएंगे। टमाटर की चटनी बनाना बहुत आसान है। टमाटर की चटनी देखेंगे बन गई। टमाटर की चटनी बन के रेडी है। इसमें पानी नहीं डाला तब भी कितनी पतली है। टमाटर की चटनी बनाए जब तो इसमें पानी मत डालें, बिल्कुल ऐसे ही बनाए। चटनी बनकर रेडी है अपनी। चटनी बन गई है। इधर देखेंगे अपनी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी अपनी कुक हो गई है, गैस हमने बंद कर दी है। अब इसे ठंडा कर लेंगे इसे। फिर इसमें बेसन डालेंगे। इस तरह की पकौड़ी बनाए तो बहुत अच्छी लगती है, बेसन भी कम लगता है इसमें। इसे ठंडा कर लेंगे, फिर इसमें बेसन मिलाएंगे। 1 कटोरी हमने बेसन ले लिया है, इससे छोटी कटोरी से बेसन लिया है। अब इसमें जो पत्ता गोभी है ये ठंडी हो गई, इसमें पलट लेंगे। इसमें सूखे मसाले अब डालेंगे। इस तरीका से बनाएं, बहुत अच्छी पकौड़ी बनेगी, सुबह का नाश्ता। अब इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। ध्यान से नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आटा मिलाएंगे, जो रोटी वाला आटा है जिससे रोटियां बनाते हैं वो, उसमें थोड़ा सा आटा मिलाएंगे। अब इसमें हम 1 मुट्ठी गेहूं का आटा है जिसे हम रोटियां बनाते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसे पानी नहीं डालेंगे, पहले इसे ऐसे ही गूंद लेंगे। पानी की जरूरत होगी तब इसमें डालेंगे। इस तरीका से बनाएं, बहुत अच्छी बनती हैं, बनाना भी आसान है। कच्ची सब्जियां डालो तो वे मसाले डालते हैं तो सब्जियां अपना पानी छोड़ने लगती हैं, तो बेसन अपना ढीला हो जाता है। इस तरीका से बनाएं, बनाना बहुत आसान है। पानी की जरूरत पड़ेगी तब इसमें पानी डालेंगे। इस तरीका से हाथ से गूंद लेंगे। अब इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। इस तरीका से बनाएं, बहुत आसान है बनाना। अब इसमें पानी डालेंगे। इसे गूंद लेंगे हाथों की सहायता से।
फिर हम बनाएंगे इसके पकौड़े। बेसन अपना गूंद गया, बेसन हमने उनके रेडी कर लिया, इसे सब्जियां सब इसमें डाल ली है। इस तरीका से बनाए पकौड़ी, बहुत जल्दी आसान है बनाना। इस तरीका से हम कढ़ाई हमने रख दी है, कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल दिया है, इसमें अब छोटी छोटी बनाते जाएंगे। इस तरीका से बनाए, तेल अपना गर्म हो गया है, अब इसमें डालते जाएंगे। इस तरीका से बनाए पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाना बहुत आसान है। कच्ची सब्जियां जब होती है उसमें नमक मिर्च डालो तो वो अपनी पानी छोड़ने लगती है। इस तरीका से बनाए, बहुत बनाना है आसान, सब्जी अपनी भी कुक हो जाती है। इसे धीमी आंच पे इसे पकाएंगे, इसे करेंगे, बच्चे भी इसे मन से खाएंगे या सुबह के नाश्ते में बच्चों को टिफिन में दे दे, अच्छा है, चाय के साथ खाएं, बच्चों का मन हो तो इस तरीका से बच्चों को बना के खिलाएं। पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाना बहुत आसान है, इसका मीठापन भी है वो भी खत्म हो जाता है, निकल जाता है। इसे कुक कर लेंगे, इसे जब तरने लगेगी तब इसे पलटेंगे। एक तरफ से कुक हो गई है, अब इसे पलटेंगे बिल्कुल ऐसे, इस तरीका से बनाए। बनाना बहुत आसान है, पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। अब इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से, कुक हो गई है, इसे बाद में इसे फिर से कुक करेंगे, इसे सारी निकाल लेंगे। दूसरा बेच डालेंगे इसमें, दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। वीडियो हम बड़े मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। इस तरह हमने डाल लिया, अब धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। सारी निकाल ली है, ठंडी हो गई है, वापिस इसमें फिर कढ़ाई में इसे धीमी आंच पे कुक करेंगे। इस तरीका से बनाए दोस्तों, संभाल के डालें, छीटे वीटे ना गिरें, ध्यान से इसे डालें, इसे धीमी आंच पे कुक करेंगे तो इसे क्रिस्पी हो जाती हैं, खाने में अच्छी लगती है। धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। इसे 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया है, देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल सुनहरा कलर हो गया। अब क्रिस्पी भी हो गई है, इसे सर्व करेंगे। दोस्तों इस तरीका से पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाएं, खाएं, देखो अंदर तक बिल्कुल कुक हो गई है।
यहाँ देखो दोस्तों अंदर तक कुक हो गई हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसे दोस्तों खाएं, बनाएं, कमेंट करें। इसमें सूखा मसाला है, मिर्च और नमक डाल दिया, इसमें डाल सकते हो अपने हिसाब से। इसे टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हो, टमाटर की चटनी इसके साथ खा सकते हो डिप करके, या आप चाय के साथ भी खा सकते हो। इसमें अमचूर पाउडर डालना चाहूँ तो अमचूर पाउडर डाल सकते हो। दोस्तों पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाना बहुत आसान है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो हमारी, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।